न्यूज वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में पैर फिसलने से एक 16 वर्षीय किशोरी बंद पड़े सॉफ्ट गहरे कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। किशोरी के अचानक कुएं में गिरने से परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस को जिसकी सूचना दी गई, मौके पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर SDRF को मौके पर बुलाया, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस और SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद किशोरी को मृत अवस्था में बाहर निकाला। किशोरी की मौत से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मृतक किशोरी के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना चित्राहाट क्षेत्र के अंतर्गत गांव पारना का ये पूरा मामला है। आगरा में माहौल खराब करने की साजिश बेनकाब हुई है। सोशल मीडिया पर मैसेज डाले गए थे, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर यह भड़काऊ मैसेज जा रहा था। भाजपा से लंबित उपेश शर्मा की गिरफ्तारी के लिए एकजुट होने की यहाँ पे प्लानिंग की गई थी। आरोपियों में से एक सपा तो दूसरा आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखता है। सदर के नैना चाट में मस्जिद पर इकट्ठा होने का मैसेज डाला गया था। महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहे चोर को पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चोर की ज्यादा पिटाई होने के कारण चोर की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए थाना पुलिस ने चोर को जिला मेडिकल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान चोर की मौत हो गई। चोर को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर पुलिस ने जो व्यक्ति चोर को पीटता दिख रहा है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाइक सवार व्यक्ति ने एक महिला का मोबाइल और चेन स्नैचिंग की है। स्नैचिंग के उपरांत जो आसपास के लोग थे उन्होंने उनका पीछा किया। उनमें से एक व्यक्ति जिसका नाम रवि पुत्र सुखराम था, उसको बाइक के साथ पकड़ लिया गया। आसपास के लोगों ने पकड़ने के बाद उग्र होकर के रवि को मारा पीटा, चोटें लगी थी। उसको CSC अग्रवाद भेजा गया, जहाँ से वो जिला अस्पताल रेफर हुआ और जहाँ से वो मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर हुआ। अमेठी में एक सप्ताह पहले गांव के युवक द्वारा किशोरी को बहना फुसलाकर भगा ले जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। परिजन न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, जबकि पुलिस ने एक हफ्ते पहले ही इस प्रकरण में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। बेटी यहाँ से गायब हो गई, मेरी बेटी को हमने एप्लीकेशन दिया, अब कोई सुनवाई नहीं है। चौकी पे दिया, कोई सुनवाई नहीं है। जगदीशपुर गौरीगंज वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। मैंने वहाँ लखनऊ गई महिला थाना, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। मेरी बेटी को क्यों गुम कर दिया गया? मेरी बेटी को बहला फुसला के उसको लालच दे के हमारी बेटी को 5 मिनट में गांव में गुम कर दिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज पर DCM ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रौंद दिया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 4 महिलाएं एक बच्चा सहित 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। ये सभी लोग पूर्णिमा पर्व पर गंगा नहाकर लौट रहे थे। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब 15 घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। ये सभी लोग मूझाझाक थाना क्षेत्र के उरमे के रहने वाले हैं। बागपत में जान जोखिम में डालकर बाइक से यमुना पार करते समय बड़ा हादसा हो गया। यमुना पार करते समय बाइक सवार 2 युवक यमुना में डूब गए। आसपास खड़े लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवारों को बचाया। अवैध रूप से खनन हो रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। समय समय पर यमुना पार करने वालों के साथ इस तरह के जानलेवा हादसे होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बागपत में यमुना पक्का घाट का ही पूरा मामला है।
बांदा में अवैध प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। जनपद में लगातार भूमाफियाओं द्वारा किसानों की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। भूमाफिया अधिकारियों के साथ मिलकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। एसडीएम न्यायिक सचिव बांदा विकास प्राधिकरण अमिताभ यादव ने मामले का संज्ञान लिया। सभी अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। बिजनौर में भाजपा नेता की बाइक का चालान काटने पर नेता आग बबूला हो गए। दारोगा भाजपा नेता में तीखी नोकझोंक हुई है। भाजपा नेता सहित बाइक पर तीन युवक सवार थे। गुस्साए दारोगा ने भाजपा नेता को चौकी पर बैठाया। थाना नजीबाबाद के गंग नहर का एक पूरा मामला बताया जा रहा है। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में विश्व रक्तदान दिवस पर मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राजकीय नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर की छात्र छात्राओं ने रक्तदान कर लोगों को जागरूक किया। कहा कि रक्तदान से स्वास्थ्य संबंधी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, रक्तदान से जरूरतमंद मरीजों को जीवन दान दिया जा सकता है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस पी गुंडियाल और ECMO डॉक्टर उमर रावत ने चिकित्सकों, चिकित्सा स्टाफ और नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर GS राणा, उदय सिंह रावत मौजूद रहे। फरुखाबाद में अब टाइम सेंटर बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। शहर के मुख्य चौराहे पर चर्चित टाइम सेंटर को नगर पालिका ने नोटिस दे दिया है। टाइम सेंटर की बिल्डिंग अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई थी। 5 मंजिला ये इमारत बताई जा रही है। बिल्डिंग मालिक को 16 जून शाम 5 बजे तक अवैध अतिक्रमण हटाने का समय दिया गया है। नियत तिथि तक अवैध अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन अतिक्रमण को हटाएगा। अतिक्रमण हटाने का खर्च भी वसूलेगा। फरुखाबाद में दारोगा से भाजपा नेता उनके बेटे भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान भाजपा नेता उनके पुत्र तिकोना चौकी इंचार्ज से भिड़ी है। तिकोना चौकी इंचार्ज अवधेश अवस्थी चौक पर अपनी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे और मोटरसाइकिल पर आ रहे 3 लोगों को दारोगा अवधेश अवस्थी ने रोक लिया, जिससे आग बबूला हुए भाजपा नेता राजू गुप्ता और उनके पुत्र दारोगा अवधेश अवस्थी ने भिड़ गए। भाजपा नेता दारोगा के बीच कहासुनी का वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फतेहपुर जिले के चांदपुर थाने के रूरा गांव में 20 साल के युवक को बड़े ही शातिर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि युवक दबसौरा गांव का रहने वाला है और देर रात किसी के बुलाने पर तिलक में शामिल होने के लिए रूरा गांव गया था। काफी देर तक जब वापस लौटकर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो रूरा गांव के जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फिरोजाबाद में पशु चोरी कर ले जा रहे एक चोर को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर पीट दिया। चोर की हालत गंभीर देखते हुए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से चोर को अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर है। जौनपुर में प्रचंड गर्मी और मानसून में देरी की वजह से पूरे देश के लोग परेशान हैं। जून का महीना भी अब खत्म होने वाला है। ऐसे में इलाके में अब तक बारिश नहीं होने से किसान और आम लोग काफी चिंतित हो गए हैं। आलम यह है कि अब जौनपुर शहर में अच्छी बारिश के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। नहीं नहीं, अच्छी बारिश के लिए बीजेपी नेता रूपेश जायसवाल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शाहगंज के राधा कृष्ण महादेव मंदिर पर हवन पूजन किया और हवन पूजन के जरिए भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न किया। मैनपुरी में बुढ़ापे में गुजर बसर करने वाले वृद्धावस्था पेंशन में फर्जीवाड़े की आशंका व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन धारकों को सत्यापन करने का फैसला किया है, जिसके चलते जिले में पेंशन धारक की KYC कराई जा रही है, जिसके चलते 2 माह में अभी तक 4,443 पेंशन धारक मित्र मिल चुके हैं, जिनमें से 57,000 से ज्यादा बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है। लेकिन स्थिति जो सामने आई है वो फर्जीवाड़े की तरफ इशारा कर रही है। सर्वनगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर भवाली अल्बोड़ा मार्ग पर बसा कैंची धाम मंदिर में नीम करौली महाराज का 58वां स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जहां हजारों की संख्या में बाबा के भक्तों की भीड़ लगी हुई है। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, मालपुआ प्रसाद ग्रहण करने के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को।